चुके हैं बच्चन परिवार में दिवाली बैश को बीते। 7 दिन हो चुके हैं दिवाली बीते। 7 दिन पहले जश्न में डूबा था बच्चन परिवार और इसी बीच एक बड़ा हादसा हो गया। ऐश्वर्या राय बच्चन की खास मैनेजर आग की चपेट में आ गई और उसके बाद कितना कुछ हुआ है आप सब जानते हैं। आज इस खास पेशकश में हम आपसे बात करने वाले हैं 2 खबरों के बारे में। पहली, ऐश्वर्या की करीबी को लेकर अस्पताल से जो खबर आई है, और दूसरी, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की हालत अब पूरी तरह से सुधर चुकी है। शो की शुरुआत करते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन बीते कल ही लौटी हैं अपना जन्मदिन मनाकर रोम से, और इसके बाद ऐश्वर्या को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। ऐश्वर्या की मैनेजर अस्पताल में है और लोग ये कह रहे हैं कि ऐश्वर्या को घूमने फिरने से फुर्सत नहीं है। बता दें आपको, ऐश्वर्या राय बच्चन की मैनेजर आग की चपेट में आई। शाहरुख और ऐश्वर्या ने उन्हें मिलकर बचा लिया, लेकिन अभी भी वो आईसीयू में भर्ती हैं। हालत उनकी स्थिर बताई जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर हालत स्थिर है तो आखिर क्यों वो आईसीयू में भर्ती हैं। अब इन तमाम सवालों के जवाब ऐश्वर्या की करीबी की हालत को लेकर जो अब तक बड़ी बड़ी खबरें आई हैं, जो हॉस्पिटल से अपडेट आया है, करीबी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, वो जानकारी आपको देंगे अपनी रिपोर्ट के जरिए। टेक अ लुक। फिलहाल एक बड़ी खबर बच्चन परिवार की तरफ से आ रही है और ये बड़ी खबर जरा भी अच्छी नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिवाली पर जहां एक तरफ बच्चन परिवार के साथ पूरा बॉलीवुड जश्न में डूबा, वहीं इन सबके बीच 28 अक्टूबर सुबह के समय एक बड़ा हादसा बच्चन परिवार में हो गया। एक दिए से ऐश्वर्या राय बच्चन की मैनेजर अर्चना सदानंद के लहंगे में आग लग गई। हालांकि ऐश्वर्या राय बच्चन और शाहरुख खान ने उन्हें तुरंत बचाया, आग बुझाई, लेकिन अर्चना के पैर का कुछ हिस्सा पूरी तरह से झुलस चुका है। ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर लोग सोशल मीडिया पर ये कहने लगे कि तुम्हारी मैनेजर इतनी बुरी तरह घायल है और तुम जो हो छुट्टियां मना रही हो। लोगों ने ब्यूटी क्वीन को लेकर ये कहना शुरू कर दिया कि ऐश्वर्या ने एक बार भी यहाँ जाकर अपनी मैनेजर से मिलने की कोशिश नहीं की। लोग ब्यूटी क्वीन को ये कहकर ट्रॉल कर रहे हैं कि मैनेजर जो ऐश्वर्या के लिए इतनी खास है, उसे छोड़कर ऐश्वर्या घूमने चली गई। हालांकि अगर आप सच्चाई जानेंगे तो आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। मिली जानकारी की माने तो जब अर्चना सदानंद के लहंगे में आग लगी, उन्हें बचाने के लिए सबसे पहले दौड़ने वाली ऐश्वर्या राय ही थी। जी हाँ, जैसे ही आग लगे देखकर हर कोई अर्चना को बचाने के लिए दौड़ा, ऐश्वर्या ही थी जिन्होंने समझदारी दिखाई और अर्चना के जलते कपड़ों को फाड़ दिया, जिसके बाद अर्चना को आग से कम नुकसान पहुंचा, वरना कोई बड़ी अनहोनी होने वाली थी। इतना ही नहीं, बल्कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ऐश्वर्या अर्चना को देखने एक बार गई भी नहीं, उन्हें बता देना चाहेंगे, सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो ऐश्वर्या लगातार अर्चना के परिवार वालों के टच में है। ऐश्वर्या लगातार अर्चना की फैमिली के कांटेक्ट में है और अर्चना की हालत में कितना सुधार आया है, हर खबर से ऐश्वर्या अपडेटेड रह रही है। बता दें आपको, मैनेजर के साथ हुए इतने बड़े हादसे के बाद ऐश्वर्या रोम ना जाने का मन बना चुकी थी। रोम में जो स्विस वॉच का इतना बड़ा इवेंट ऐश्वर्या राय बच्चन को अटेंड करना था, ऐश्वर्या वो इवेंट कैंसिल करने में लग गई थी, लेकिन बाद में उनकी टीम ने उन्हें समझाया, उनकी टीम ने ऐश्वर्या को विश्वास दिलाया कि आप जाइए, अर्चना को, अर्चना की फैमिली को हम संभाल लेंगे। जब ऐश्वर्या को इतने सारे लोगों ने मिलकर समझाया, तब जाकर ऐश्वर्या अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और साथ ही रोम के इवेंट में शामिल होने के लिए तैयार हुई। वहीं अगर बात करें अर्चना को लेकर, तो फिलहाल दावा तो ये किया जा रहा है कि उनकी हालत ठीक है, मगर अभी 1 हफ्ते तक उन्हें आईसीयू में ही रहना है। स्किन ग्राफ्टिंग सर्जरी उनकी हुई है, दाहिने पैर की त्वचा से हुई है और इनके केस को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, लेकिन आगे आने वाले 1 हफ्ते तक ये अर्चना आईसीयू में ही रहने वाली है।
कहा यह भी जा रहा है कि अब ऐश्वर्या वापस माया नगरी मुंबई लौट आई हैं रोम से और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके, तो बहुत जल्द वो अपनी मैनेजर से मिलने के लिए जाएंगी, मैनेजर के परिवार से मिलेंगी। बता दें आपको दिवाली पार्टी में तमाम सितारे सज धज कर पहुंचे, उनकी रौनक तो नजर आई, लेकिन जब लोगों ने अर्चना सदानंद के साथ हुए हादसे के बारे में जाना तो हर कोई यहां पर परेशान हो गया। अभी भी हर कोई यही सोच रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन की इतनी खास मैनेजर आईसीयू में भर्ती हैं, उनकी हालत कैसी है, स्थिर है या गंभीर बनी हुई है। लेकिन क्योंकि इस पूरे हादसे को, अर्चना सदानंद की कंडीशन को कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, तो कोई भी ठोस जानकारी इस पूरे मुद्दे को लेकर सामने नहीं आ रही है। यानी जो लोग ऐश्वर्या को ट्रॉल कर रहे हैं ये कहकर कि उन्हें अपनी मैनेजर से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, उन लोगों को जज करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि ऐश्वर्या मैनेजर और उनकी फैमिली के कॉन्टेक्ट में है। ऐश्वर्या रोम नहीं जाने वाली थी, लेकिन उनकी टीम ने उन्हें समझाया कि सारी चीजें एक तरफ और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स एक तरफ, जिसकी हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। मूविंग ऑन टू अनदर अपडेट, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, जब अमिताभ बच्चन इससे पहले वाले रविवार अपने महल जलसा के बाहर नहीं आए, लोगों से मिले नहीं, अपने फैंस के साथ रूबरू नहीं हुए, तो लोग परेशान हो गए। लेकिन बीते कल जो रविवार बीता है, अमिताभ बच्चन बाहर आए हैं। वो तमाम लोग जो ये सोच रहे हैं कि बिग बी का हालत ठीक है या नहीं, क्योंकि हाल ही में बिग बी ने अपना एक इवेंट भी कैंसिल किया ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि बिग बी की हालत अब पूरी तरह से स्थिर है। बिग बी की हेल्थ को लेकर जो अपडेट आया है जो आपको खुश कर देगा, देखिए। फिलहाल एक अच्छी खबर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर भी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीते दो हफ्ते बच्चन परिवार के लिए काफी ज्यादा परेशानी भरे रहे हैं। जिस तरह से एक के बाद एक लगातार बिग बी की हालत को लेकर खबर आ रही थी, एक के बाद एक लगातार नानावती अस्पताल में जब 3 दिन तक बिग बी एडमिट थे, लोग परेशान थे, बच्चन परिवार तनाव से गुजर रहा था, और इन सबके बीच में फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो बिग बी के फैंस को खुश कर जाएगी। गौर हो कि बिग बी को बीते दिनों बाहर जाना था, यानी आउट ऑफ कंट्री एक इवेंट के सिलसिले में, मगर आखिरी मौके पर वो इवेंट कैंसिल करना पड़ा। आखिरी मौके पर उस इवेंट को यहाँ बिग बी ने अपनी तरफ से कैंसिल किया, बिग बी उस इवेंट में अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा पाए। इसके पीछे की वजह बताया गया महानायक अमिताभ बच्चन की खराब सेहत को। बता दे आपको बीते रविवार महानायक अमिताभ बच्चन अपने चाहने वालों से मिलने जलसा के बाहर भी नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार बिग बी आए हैं बाहर और चाहने वालों के साथ बिग बी ने की है मुलाकात। इस दौरान की कुछ तस्वीरों को आप हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं, किस तरह से बिग बी ने ऊपर स्वेटशर्ट कैरी की है। पहले जब बिग बी नजर आए थे तो उनकी हालत थोड़ी सी नासाज लग रही थी, लेकिन इस बार वो पहले की तरह हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, खुश मिजाजी अंदाज में नजर आए हैं। बता दें आपको जब जब महानायक अमिताभ बच्चन रविवार को अपने घर जलसा के बाहर नहीं आते, फैंस की उम्मीदों पर पानी फिरता है। वो लाखों लोग जो जलसा के बाहर डेरा डालकर बैठते हैं, वो सभी परेशान हो जाते हैं ये सोचकर कि कहीं बिग बी अब बहुत ज्यादा बीमार तो नहीं हो गए हैं। इससे पहले जो रविवार गया, यानी 3 नवंबर से पहले का जो रविवार था, बिग बी ने अपने ब्लॉग में लिखकर अपने चाहने वालों से माफी मांगी और उन्हें बताया कि तबीयत जरा नासाज है और मिलने में बाहर नहीं आ सकता। लेकिन इस बार महानायक अमिताभ बच्चन बाहर गए हैं। इस बार महानायक अमिताभ बच्चन ने बाहर जाकर लोगों को प्यार दिया है, लोगों का प्यार स्वीकारा है, यानी बिग बी की हालत अब पहले से बिल्कुल ठीक हो चुकी है। महानायक अमिताभ बच्चन अब पहले की तरह स्वस्थ हैं। कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग लगातार जारी है, बिग बी का काम जारी है और फैंस की खुशी का यकीन मानिए ठिकाना नहीं है। खैर, हम यही चाहेंगे ऐश्वर्या राय बच्चन की मैनेजर जल्द से जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए। फिलहाल एक हफ्ते तक उन्हें आईसीयू में रहना है और बिग बी को लेकर तो हर दिल यही चाहता है कि वो हंसते रहें, सेहतमंद रहें और इसी तरह से मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, फिर होगी मेरी मुलाकात आप सभी के साथ। दे दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।